जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल के हैं, अभी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम की लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो सूरीनाम की लोकेशन यहाँ पे, एक साइड है फ्रेंच गुयाना, दूसरी साइड है गुयाना और तीसरी साइड है ब्राज़ील। तो ये येलो कलर का जो आपको लोकेशन दिख रहा है दक्षिण अमेरिका में, वो है सूरीनाम। आप लोगों को बताना है सूरीनाम की कैपिटल क्या है और साथ ही करेंसी क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। उन्होंने पूर्व सैन्य तानाशाह डेजी बाउटर्स की जगह ली। तो पहले कौन थे? डेजी बाउटर्स थे, जो कि सैन्य तानाशाह थे, जिनकी नेशनल पार्टी आप सूरीनाम मई में चुनाव हार गई थी। संतोखी ने ऐसे समय में सूरीनाम के नेतृत्व की बागडोर संभाली है जब उसके रिश्ते नीदरलैंड समेत दूसरे पश्चिमी देशों से खराब हो चुके हैं और इस समय यह देश आर्थिक संकट से, इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। कैरेबियन मीडिया कॉरपोरेशन यानी CMC की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूर्व न्याय मंत्री व प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी PRP के नेता संतोखी को नेशनल असेंबली ने सोमवार को राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मत से चुन लिया है। संतोखी ने क्या कहा उसके बाद में? उन्होंने कहा कि देश फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उनकी सरकार सूरीनाम को वापस पटरी पर लाने के लिए नीतियां बनाएगी। 61 वर्षीय इनकी उम्र जो है, 61 साल के हैं संतोखी, नीदरलैंड के पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। नीदरलैंड की इतनी बात क्यों आ रही है तो उसको भी आगे जानते हैं। एक्चुअली नीदरलैंड, यहीं पर जान लेते हैं, नीदरलैंड का की कॉलोनी रही है सूरीनाम, इसीलिए बार बार नीदरलैंड की बात की जा रही है। वो सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। वर्ष 2005 के दौरान वो देश के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। संतोखी के सामने पश्चिमी देशों से सूरीनाम के संबंधों को बेहतर बनाने की भी चुनौती हुई। इतनी संकट क्यों आई पश्चिमी देशों को लेकर के? पश्चिमी देशों से इतने कट कैसे गया सूरीनाम, अलग कैसे हो गया? तो इसका रीजन क्या रहा? जो उनके पहले सैन्य तानाशाह थे बाउटर्स, उनके समय में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था की हालत खस्ताहाल होने के कारण क्या था, चीन और वेनेजुएला के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। तो ये घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते थे चीन और वेनेजुएला के साथ, जिसकी वजह से कई सारे सैंक्शंस लगे सूरीनाम पर और उसके बाद में इसकी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। बाउटर्स के शासनकाल में तख्ता पलट समेत अन्य कारणों से सूरीनाम के संबंध नीदरलैंड और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अच्छे नहीं रहे। मैंने पहले बताया कि ये नीदरलैंड का उपनिवेश रहा है। बाउटर्स ने 1980 में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उन्हें 15 विरोधियों की हत्या के मामले में 20 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की है। अभी सजा हुई थी। सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश है, मैंने पहले बताया। इसकी कुल आबादी 5,87,000 है, जिसमें 27.4% लोग इंडियन हैं, भारत वंश के, भारतीय मूल के। PRP मूल रूप से भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। PRP को सूरीनाम में यूनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी कहा जाता है। सूरीनाम मूल रूप से बॉक्साइट के निर्यात पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल ही में उसके जलीय क्षेत्र में विशाल तेल भंडार पाए गए हैं। ये तेल भंडार देश को आर्थिक मुश्किलों से निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा। नाम याद रखिएगा इनका, कैपिटल जरूर याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा विशेषकर। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।